हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से और मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। और भी बहुत सारे चैनल हैं जिससे आप जुड़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ लोअर ल्यूमेन ऑफ अपेंडिक्स। तो यहाँ पे जो अपेंडिक्स है, जो कि एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, उसका कैपेसिटी पूछ रहा है। वो होता है 0.1 ml। कितना? तो 0.1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एब्डोमेन इज नॉन एज पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन। तो हमारे एब्डोमेन का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसे पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन कहा जाता है? वो है आपका ओमेंटम। क्या? तो ओमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल स्टोन इज मोस्ट कॉमन इन। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन भारत के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, किस में, भारत के किस पार्ट में ज़्यादा कॉमन है? तो वो है आपका नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में कोलेस्ट्रॉल स्टोन बहुत कॉमन है। जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ में ज़्यादातर डोसा, इडली, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग खाते हैं और जो कि ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं होता है, स्पाइसी नहीं होता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया का जो खान पान है वो तो आपको खुद पता है कि किस तरीके के खानों को वो कंज्यूम करते हैं, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, स्टोन होना, ये कॉमन है नॉर्थ इंडिया में। वही आपका जो पिगमेंट स्टोन है वो ज़्यादा कॉमन है साउथ इंडिया में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ERCP स्टैंड्स फॉर। ERCP का फुल फॉर्म यहाँ बताना है और वो है इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। जब आपका गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर कुछ भी GB या लीवर से कुछ जुड़ी हुई दिक्कत होती हैं तो उसमें आपका जो है एग्जामिनेशन किया जाता है इंडोस्कोप के थ्रू। और ERCP, MRCP ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज। अपेंडिक्स जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है वो भी कभी कभी उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है, या फिर कभी कभी जो अपेंडिक्स है वो फट भी जाता है, या फिर उसमें पस कलेक्शन हो जाता है, एब्सेस फॉर्म हो जाता है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं अपेंडिक्स से जुड़ी। तो है कि अपेंडिक्स में अगर कोई दिक्कत हो गई है तो उसे शरीर से निकालना सबसे ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि सर्जिकल रिमूवल जो है अपेंडिक्स का वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये फट जाएगा तो पूरे पेट में, एब्डोमेन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो मेनली है कि अपेंडिक्स को रिमूव करने का जो सर्जिकल प्रोसीडर है उसे हम लोग अपेंडेक्टमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDH इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन एपिड्यूरल हिमाटोमा जो है उसमें क्या होता है? तो ब्लड का कलेक्शन कहाँ कहाँ होगा? तो ब्रेन में और स्कल के बीच में। तो ब्रेन और स्कल के बीच में होगा, ब्रेन और स्कल के बीच में कहाँ? तो अगर कह सकते हैं इसको एक भाषा में कि ब्रेन को कवर कर रहा है कौन कौन? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, ये मेनिंजियल लेयर्स हैं। सबसे आउटर मोस्ट है ड्यूरा। तो ड्यूरा और आपके स्कल के बीच में ब्लड कलेक्शन हो जाएगा, ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इसी को EDH कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है STH इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन। जैसे EDH का आपने पढ़ा कि EDH में ब्लड कलेक्शन किसके किसके बीच में होगा, वैसे सब ड्यूरल हिमाटोमा यानी कि SDH है। तो SDH में किसके किसके बीच ब्लड कलेक्शन होता है, खून का जमा हो जाता है, तो इसमें क्या होगा कि स्कल के अंदर होगा और ब्रेन के आउटसाइड में होगा, ठीक है, यानी ड्यूरा के अंदर और पाया मैटर के बाहर, ठीक। तो सब ड्यूरल हिमाटोमा ये हुआ। तो इसको आप इजी लैंग्वेज में समझें तो स्कल के अंदर और ब्रेन के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सब एक्यूट STH अपीयर्स विद इन। तो आपका जो है STH के भी कुछ टाइप हैं, सब ड्यूरल हिमाटोमा के भी, जिसमें क्या होता है कि उसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो उसमें एक्यूट है, सब एक्यूट है और आपका है क्रॉनिक, ठीक है। तो ये जो सब एक्यूट है उसमें सिम्टम्स कितने दिन में आते हैं? तो एक सप्ताह के अंदर आते हैं, यानी 3 से 7 दिन में आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सर्जिकल प्रोसीडर क्रेनियम इज कैप्ट इन एब्डोमेन। यानी आपने बहुत सारे ब्रेन की सर्जरीज के बारे में सुना होगा, उसमें आपने क्रेनियोटमी, बर होल सर्जरी, क्रेनियक्टमी और भी कुछ सर्जरी का नाम आपने सुना होगा। इसमें आपका एक क्रेनियक्टमी है,
क्रेनियेक्टमी में क्या होता है कि क्रैनियम को सिर से, ठीक है, क्रैनियम को क्या, एक हड्डी है आपका, वो बोन फ्लैप है क्रैनियम, तो क्या होता है कि ये जो क्रैनियम है उसको एब्डोमेन में, पेट में कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, ठीक है, एब्डोमेन में सिक्योर कर दिया जाता है। और जब आपका, मान के चलिए सिचुएशन ये है कि आपके ब्रेन में स्वेलिंग है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो एडिमा यानी स्वेलिंग उसको कम करने के लिए और प्रेशर को कम करने के लिए कुछ समय के लिए क्रैनियम को एब्डोमेन में रखा जाता है। जब वो नॉर्मल हो जाएगा तो फिर से क्रैनियम को ब्रेन में रख दिया जाता है, ठीक है, ब्रेन के ऊपर जो क्रैनियम होता है वहीं पे वो रख दिया जाता है, ठीक है, और फिर से वो ब्रेन को पहले के भांति जो है प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नॉर्मल GCS स्कोर रेंज। तो GCS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्लासगो कोमा स्केल। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैंने सेपरेट में बहुत बार समझा रखा है, उसके लिए आप वीडियो मेरी जाके वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो GCS स्कोर में नॉर्मल कितना रेंज है, तो अगर 13 से 15 के बीच है तो वो नॉर्मल है। जो पेशेंट है जिसका GCS 13 से 15 है वो नॉर्मल पेशेंट है, और अगर 9 से 12 हुआ तो वो मॉडरेट में आएगा, और सीवियर में क्या है यानी जो ज़्यादा सीवियर कंडीशन में, उसका जो है 8 से कम होगा, और इसमें मिनिमम 3 होता है और मैक्सिमम GCS स्कोर 15 होता है। ये सब बेसिक क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ सीटी स्कैन यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन शेप ऑफ SDH इज। तो SDH का शेप कैसा होगा, सबड्यूरल हिमाटोमा, यानी कि आपका जो है ब्रेन के बाहर और स्कल के अंदर ब्लड कलेक्शन हो रखा है, अगर सीटी स्कैन आप करवाते हैं तो उसका शेप किस तरीके का आएगा सीटी स्कैन रिपोर्ट में, तो इसका शेप आएगा कॉनकेव क्रेसेंट शेप में, मून शेप्ड आएगा, चांद की तरह, यानी कॉनकेव शेप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑन अ सीटी स्कैन अपियरेंस ऑफ EDH इज। तो सीटी स्कैन में EDH का कैसा आकार होगा, कैसा अपियरेंस होगा, तो ये नींबू की तरह दिखेगा, लेमन शेप्ड, या कह सकते बाई कॉन्वेक्स। तो आप याद रखिए कि कॉन्वेक्स जो है वो EDH है, कॉन्केव जो है वो SDH है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TURP इज गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर। TURP का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद करना होगा, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा उसका आकार बढ़ जाना, जो कि आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। जो TURP किसके लिए सबसे बेस्ट सर्जरी है, किसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है, तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी कि BPH, जो BPH डिजीज है उसके लिए ये बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजिशन फॉर TURP सर्जरी इज। TURP करना है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करना है, तो उसके लिए पोजीशन क्या होगी, तो इसमें पोजीशन होगा आपका लिथोटमी पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिफ स्टैंड फॉर, ओरिफ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, और वही अगर CRIF होता तो होता क्लोज्ड रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LSCS स्टैंड्स फॉर, LSCS का फुल फॉर्म क्या है, तो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच रिट्रैक्टर इज बेस्ट टू रिट्रैक्ट ब्लैडर एंड यूटेरस। तो बच्चेदानी को और जो पेशाब की थैली होती है यानी यूरिनरी ब्लैडर है, यूटेरस है, उसको रिट्रैक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट रिट्रैक्टर कौन सा है, तो आंसर होगा आपका डॉयंस रिट्रैक्टर। ये एकदम सांप की तरह, वो एक होता है एस शेप्ड, एस की तरह होता है, नाक के फन की तरह वो भी होता है, ठीक है, वो होता है डीवर रिट्रैक्टर, उसी की तरह एक डॉयंस रिट्रैक्टर भी होता है, आगे से कुछ ज़्यादा ही कर्व्ड होता है। तो डॉयंस रिट्रैक्टर के बारे में आपने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट हिस्टेक्टोमी इज डन इन। पहला जो यूट्रस रिमूवल सर्जरी था, हिस्टेक्टोमी था, वो कब हुआ था, तो नवंबर 1843 में, नवंबर 1843 में पहला हिस्टेरेक्टोमी किया गया था, और वो कहाँ पे, तो मैनचेस्टर इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट इंसीजन ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी इज। अगर एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी हो रहा है तो उसमें सबसे बेस्ट, सबसे सही इंसीजन कौन सा होता है, कौन सा लगाया जाता है, तो उसमें होगा मिडलाइन या फिर फेनेंस्टाइल इंसीजन। फेनेंस्टाइल इंसीजन को केयर या प्यूबिक इंसीजन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मेथड यूट्रस इज रिमूव्ड थ्रू वेजाइना। वेजाइना के थ्रू किस प्रोसेस में, किस मेथड में
यूट्रस को रिमूव करा जाता है, तो ये है वजाइनल हिस्टरेक्टमी। वजाइनल हिस्टरेक्टमी में आपको समझ में आ रहा होगा कि वजाइना के थ्रू यूट्रस को रिमूव करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर लैपेरोस्कोपिक हिस्टरेक्टमी। अगर दूरबीन से यूट्रस रिमूवल सर्जरी हो रहा है तो कौन सा बेस्ट पोजीशन होगा, तो इसके लिए आंसर होगा डॉर्सो लिथोटमी, यानी लिथोटमी पोजीशन में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट विच सेपरेट्स टू नॉस्ट्रिल एंड एयरवेज, तो उस पार्ट का नाम बताना है जो कि नाक, आपने देखा होगा ठीक है, नाक में दो छेद होते हैं, नॉस्ट्रिल हो गया, एयरवेज उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो उसको सेपरेट करने के लिए बीच में ये जो दीवार है उसको क्या कहते हैं, तो ये जो दीवार है दोनों होल्स के बीच में नाक में, वो है सेप्टम, जिसे आप नेजल सेप्टम के नाम से जानते हैं, जो कि एक पार्टीशन है, दोनों लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल को अलग करता है। और ये इसकी जो लंबाई है लगभग 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कितना, तो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम बाइलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन टेक्स प्लेस, यानी कौन सा ऐसा डीएनएस है, डीएनएस का कौन सा ऐसा प्रकार है जिसमें दोनों नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएंगे, यानी दोनों साइड में आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, दोनों साइड में बाधा आ जाएगी, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, दोनों नोस्ट्रिल में ऑब्स्ट्रक्शन किस में होगा, तो एस सेप्ड नेजल डिफॉर्मिटी में, एस सेप्ड नेजल डिफॉर्मिटी। एस आपको दिख रहा हो कि एक इस साइड मुड़ा है, एक इस साइड मुड़ा है, तो दोनों नोस्ट्रिल को ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हम लोग जो है एक लंबी लंबी वीडियो भी बना सकते हैं, तो उसमें आप 50 या 100 क्वेश्चन एक वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग कमेंट करिए कि कौन कौन एग्री करते हैं लंबे वीडियोज़ के लिए। तो अभी के लिए यही छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आप लोग जब कमेंट करेंगे बहुत लोग, तो फिर मैं लंबी लंबी वीडियोज़ आप लोग के लिए अपलोड करूँगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पेन करते हैं, आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नए नए क्वेश्चंस के साथ, नए नए टॉपिक के साथ, और अपना प्यार देना और सपोर्ट करना मत भूलिए, कमेंट जरूर करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए।